Okay, good morning everyone. How are you? So finally, I think there was some homework, so should we start? Yeah, happy Makar Sankranti. ठीक है, लेट अस कम डाउन टू द एक्सरसाइज नाउ एंड स्टार्ट. एलडी होमवर्क था ना, उसमें बताइए क्या डाउट है. उसमें सारा हो गया. एक्स इंटेक्स एस टू होमवर्क था. वाज इट डन कंप्लीटली? सारे हो गए इंटेक्स एस टू के रिमेनिंग क्वेश्चंस? नो डाउट. ओके, ठीक है ठीक है ठीक है. जस्ट अ मिनट. आ जाते हैं इंटेक्स एक्सरसाइज टू के ऊपर. लेट अस कम डाउन टू इंटेक्स एक्सरसाइज टू. क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं कुछ? सेवन एट. ओके, थोड़ा सा रुकना. इंडेक्स टू क्वेश्चन सेवन, राइट? क्वेश्चन सेवन और एट. गैस मिक्सचर, मिक्सचर कंटेन्स एन वन मोल्स ऑफ मोनोएटॉमिक गैस एंड एन टू मोल्स ऑफ डायएटॉमिक गैस. देखो, एन वन है मोल्स ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, और एन टू है मोल्स ऑफ डाई एटॉमिक गैस. तो बताइए, मोनो एटॉमिक गैस जो होता है उसके लिए क्या होता है गामा? बताइए एवरीडी, गामा क्या होता है? 5/3 होता है. और डाई एटॉमिक के लिए 7/5, राइट? अब मिक्सचर का क्या दिया हुआ है? 1.5. तो अब देखो, मिक्सचर का कैसे निकालोगे? एन वन इंटू 5/3 प्लस एन टू इंटू 7/5 डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू, यही होगा ना? यानी 3/2 एन वन प्लस 3/2 एन टू इज इक्वल टू 5/3 एन वन प्लस 7/5 एन टू. ठीक है, तो अभी देखो कैसा हो गया. ये 3/2 एन टू माइनस 7/5 एन टू इज इक्वल टू 5/3 एन वन माइनस 3/2 एन वन. अब तो आसानी से ना रिलेशन बन ही जाएगा, बताओ. क्लियर है? डू यू वांट टू राइट दिस और कैन आई स्क्रॉल डाउन? Everybody, you want to write this or can I scroll down? अरे स्क्रॉल करूं या लिखोगे अभी? ठीक है, तो अब देखो क्या है, ये कितना आ गया? देखो 10, ये गया 15 एंड 2 माइनस 14 एंड 2, और ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 10 N1 माइनस 9 N1. तो N2/10 इज इक्वल टू N1/6 आया. कैलकुलेशन मिस्टेक है कहीं क्या? क्या
गुड चेक, कैलकुलेशन मिस्टेक है कहीं क्या? ओके आंसर तो बन नहीं रहा हमारा, n1 by n2 6 by 10 आ रहा है, 2 इसको 3 आ रहा है। एक सेकंड, 6 by 10 is n1 by n2, that is what? तो ये आएगा 3 by 5, ये अपना आ रहा है, शायद से कैलकुलेशन मिस्टेक है। एक सेकंड, गामा इज 1.5, अरे तो गामा तो 1.5 तो 3 बाई 2 ही हुआ ना, तो ठीक ही है। दिस इज 5 बाई 3, ये ठीक है। दिस इज 7 बाई 5, दिस इज फाइन। मोनोटॉमिक का अप्रोक्स 1.6 और डायटॉमिक का अप्रोक्स 1.4 लिया तो आएगा। देख लेते हैं, सुन लो, दूसरा तरीका देख है, इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक, हम देख लेते हैं एक बार ना। एक तरीका यह है कि मिक्सचर का सीवी निकाल लो, मिक्सचर का सीपी निकाल लो और उसके बाद गामा निकालो, उसमें देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो देखो सीपी मिक्सचर का निकाल लेते हैं सबसे पहले। सीपी मिक्सचर में देखो सबसे पहले ये बताओ कि मोनाटॉमिक के लिए सीपी क्या होता है, बताओ। 5 बाई 2 आर राइट, यानी 2.5 आर। और डायटॉमिक के लिए क्या होता है, 7 बाई 2 आर, यानी 3.5 आर। ये सीवी मिक्सचर क्या आएगा, 1.5 आर, ठीक है, प्लस 2.5 आर। तो अब गामा मिक्सचर क्या आएगा, इनका रेशियो, सो 2.5 आर एन वन शुड बी 1.5। इससे भी देख लेते हैं आता है नहीं, तो आएगा 2.5 n1 प्लस 3.5 n2 डिवाइडेड बाय 1.5 n1 प्लस 2.5 n2 इज इक्वल टू 3 बाय 2। 1.5 मतलब 3 बाय 2 ही हुआ ना। तो ये रिलेशन क्या बनता है, इधर लिख लेते हैं इसको, 5 n1 प्लस 7 n2 इज इक्वल टू 4.5 n1 प्लस 7.5 n2। तो ये क्या आ रहा है, 0.5 n1 इज इक्वल टू 0.5 n2। अरे ये तो आ गया यहाँ पे, यहाँ तो ये सॉल्व हो रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक ही है उधर कहीं, इसका मतलब। ठीक है, कैलकुलेशन में देखिए कहीं पे, ठीक है ना, ऐसे सॉल्व हो गया तो ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। सेकेंड लास्ट, इसकी बात कर रहे हो क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 2.5 n1 प्लस 3.5 n2 इनटू 2 कर दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई।
किसी को और कोई डाउट है? तो आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, द एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेस बाई 50 किलो जूल व्हेन इट्स इंटरनल एनर्जी। देखो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो आपको दे रखा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है 113 किलो जूल। अच्छा, इंथैल्पी दे रखा है ना। अच्छा, इंथैल्पी अभी तक हमने किया नहीं है, तो इसको रहने दो। अभी तक हमने रिएक्शन की इंथैल्पी नहीं पढ़ी है, राइट? तो लेट अस लीव इट बिकॉज़ वी हैव नॉट स्टडीड इंथैल्पी एज ऑफ नाउ। ठीक है, आगे और कुछ तो नहीं है ना? और कुछ डाउट है? ओके, नाइन्थ, द इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन सिस्टम गोज फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी। देखो, डेल्टा यू दे रखा है आपको, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 40 किलो जूल पर मोल। ठीक है, the system goes from A to B by a reversible path and then returns to B to A by a irreversible path. देखो, initial और final point तो same ही है ना? Everybody, ये समझ में आ रहा है? कैसे भी path से जाए, calculation mistake था भावेश, पहले वाले process में calculation mistake ही था। पिछले question की बात कर रहे हो क्या, seventh की? कुछ calculation mistake था जो कि नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने दूसरा method use कर लिया। कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ था वो नहीं दिखा, इसलिए दूसरा मेथड यूज किया। दूसरे मेथड से आंसर आया, इसका मतलब पहले में कैलकुलेशन में मिस्टेक था, कोई प्रोसेस गलती नहीं थी उसके अंदर। ठीक है, तो अब देखो क्या है, पॉइंट ए से बी जा रहे हैं अपन। ठीक है, पॉइंट ए से बी जा रहे हैं तो, और वापस किसी भी पाथ से जाते हैं, ये हम जाते हैं ए से बी रिवर्सिबल से जाते हैं, रिवर्सिबल से, और यहाँ पे इसमें वापस आ जाते हैं रिवर्सिबल से। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट तो सेम हो गया ना, कैसे भी पाथ से जाओ, कैसे भी पाथ से आओ, इनिशियल और फाइनल स्टेट तो सेम हो गया ना। तो जब इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो स्टेट फंक्शन में कोई चेंज आएगा ना? चेंज इन इंटरनल तो फाइनली जीरो ही होगा ना, कोई दिक्कत है? फाइन फाइन, और भी क्वेश्चन में डाउट है? सिक्स का आंसर डिफरेंशिएट करने से नहीं आ रहा है। ओके, ठीक है, चलो वेलकम टू सिक्स आल्सो। एक सेकेंड, हाँ सॉरी सॉरी, आई विल जस्ट गोइंग डाउन रिटर्न। ओके फाइन, तो देखो अभी क्वेश्चन क्या है, सिक्स की बात कर लेते हैं, राइट? क्वेश्चन नंबर सिक्स में पी नॉट, थ्री पी नॉट, फिर वी नॉट, थ्री वी नॉट, हाँ थ्री वी नॉट, ए सी बी, ठीक है, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू। ठीक है, ये एक पाथवे है, इधर है प्रेशर और इधर है वॉल्यूम। इसमें लिखा है n moles of ideal gas undergoes a process ABC as shown in the figure, maximum temperature of the gas during the process AB। इसमें तो लिख रखा है, डायरेक्टली आपको AB में ही देखना है, राइट?
एवरीडे इज दैट क्लियर? यहाँ तो लिख रखा है ना कि ए बी में निकालना है, तो क्या करना है बता? लाइन की इक्वेशन लिखनी है, डिफरेंशिएट करना है। क्लियर एवरीबॉडी? यहाँ तो लाइन की इक्वेशन लिखनी है और डिफरेंशिएट करना है। तो जैसे अपन जानते थे ये होता है ना रिलेशन y माइनस y नॉट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट, ऐसे ही लिखते हैं। तो ये इक्वेशन लिखना है, तो कौन से पॉइंट पे करोगे बताओ? कोई भी पॉइंट ले लो, सपोज ये वाला पॉइंट ले लो, ठीक है, ए वाला पॉइंट ले लो। तो पी माइनस ए पे कितना पी है बताओ? थ्री पी नॉट है ना, और एम और ए जब थ्री पी नॉट है तो वॉल्यूम वी नॉट है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब स्लोप कैसे निकालोगे बताओ? एवरीडी स्लोप कैसे निकालोगे? थ्री पी नॉट माइनस पी नॉट, तो ये आ गया टू पी नॉट, और जब ये थ्री पी नॉट था तो ये वी नॉट है राइट, तो ये आएगा माइनस टू वी नॉट। यहाँ कोई दिक्कत है? वैसे ऑप्शंस को देखते भी आ जाता है, कैसे ऑप्शंस को देखे कैसे आएगा? देखो ऑप्शन को कैसे सोच रहे हो, यहाँ पे डी ए तुम सोचोगे तो देखो आएगा क्या, थ्री पी नॉट वी नॉट बाई एन आर, और डी बी आएगा तुम्हारा थ्री पी नॉट वी नॉट, क्या बोल रहे हो सर? वैसे ऑप्शन को देखते वी नॉट से टू पी नॉट तक तो टी पी तुक्का लगा रहे, और कुछ नहीं। दोनों पे तो सेम ही है, तुम ये बोलना चाह रहे हो कि इससे थोड़ा ज्यादा होगा इसलिए। हाँ, वो एक हद तक सही है, बट वो ऑप्शंस मान लो कुछ अलग होते तो थ्री पी नॉट वी नॉट बाई एन आर से एक ही ज्यादा है, ये बोलना चाह रहे हो, तो इसलिए तुम आंसर ए बता दिए। यहाँ पर ठीक है बैठ जाएगा वो, बट वो कई बार ऐसा भी हो सकता है, तो कैसे कर रहे हो बताओ फिर, क्या तुक्का लगा रहे हो? टू वी नॉट पे टू पी नॉट, अच्छा उस हिसाब से मिड पॉइंट पे लगा रहे हो क्या? मिड पॉइंट मैं समझ गया, मिड पॉइंट की बात कर रहे हो तुम, मिड पॉइंट पे बता रहे हो कि मैक्सिमम होगा, वही ना? ठीक है, हाँ इस टेस्ट में आपका गैसेस स्टेडी है। तो सी ये आ जाएगा माइनस पी नॉट वी नॉट वी माइनस वी नॉट, सॉल्व करते हैं इसको अपन, ठीक है। तो आएगा थ्री पी नॉट इंटू वी नॉट इज इक्वल टू माइनस पी नॉट वी माइनस वी नॉट, ये लिख लो। ए स्क्रॉल डाउन करूं एवरीवन, एवरीडी कैन स्क्रॉल डाउन? तो अब पी को लिख दो एन आर टी बाई वी, वी नॉट माइनस वी। अब डिफरेंशिएट कर दो सारे टर्म्स जो है वेरी, अब वॉल्यूम के टर्म्स में ही आ गए ना सारे, तो ये आ जाएगा एन आर टी वी नॉट बाई वी माइनस थ्री पी नॉट वी नॉट माइनस पी नॉट वी प्लस पी नॉट वी नॉट, इसको डिफरेंशिएट करना है अभी। तो ये यहाँ पर टर्म क्या आएगा, एन आर टी वी नॉट माइनस थ्री पी नॉट वी नॉट वी माइनस पी नॉट वी स्क्वायर प्लस पी नॉट वी नॉट वी, तो ये आया एन आर टी वी नॉट, ये आ जाएगा क्या बताऊं, इधर आएगा तो माइनस आएगा फोर पी नॉट वी नॉट वी प्लस पी नॉट वी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, यही ना? अब डिफरेंशिएट कीजिए डी टी बाई डी वी, ठीक है डी टी बाई डी वी कीजिए, तो एन आर वी नॉट डी टी बाई डी वी माइनस फोर पी नॉट वी नॉट, ठीक है। तो ये तो डिफरेंशिएट हो जाएगा डी वी बाई डी वी, और ये आ जाएगा प्लस टू पी नॉट वी इज इक्वल टू जीरो, सही किया हमने।
एवरीबडी, कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है ना? तो अब इक्वेट कर लेते हैं। तो बेसिकली एन आर वी नॉट डी टी बाई डी वी इज इक्वल टू आ रहा है क्या, 4 P0 V0 माइनस 2 P0 V, तो वी नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो डी टी बाई डी वी क्या आया, 4 P0 माइनस 2 P0, राइट? नहीं, ये वी नॉट कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली में एक और चीज है कि ये भी ना है कि हम यहाँ पे डी टी बाई डी वी को इक्वेट कर रहे हैं ना जीरो। एक सेकंड जो यहाँ पे एक और चीज है कि वी आर इक्वेटिंग डी टी बाई डी वी टू बी जीरो, राइट? ये बात समझ में आ रही है सबको? यहाँ पे एक चीज है कि हम डी टी बाई डी वी को इक्वेट कर रहे हैं जीरो, और हमने ओवरऑल इक्वेशन में ही लिख दी है। तो एक चीज करते हैं ना, रुक जाओ थोड़ा, इसको फिर से देखना पड़ेगा हमें। हमारा जो इक्वेशन था ना, ये पी माइनस 3 P0 इज इक्वल टू माइनस P0 बाई वी नॉट, वी माइनस वी नॉट, यहां पे ही हम इसको ऐसा लिख देते हैं ना, क्या कहते हैं इसको, एन आर टी बाई वी माइनस 3 P0 इज इक्वल टू माइनस P0 बाई वी नॉट, वी माइनस वी नॉट, ये आ गया, और ये आ जाएगा एन आर टी इज इक्वल टू 3 P0 V माइनस P0 V स्क्वायर अपॉन V नॉट प्लस P0 V। बेसिकली फायदा ये होगा ना कि जैसे हम पूरा इक्वेशन लिख देंगे तो हम दो बार जीरो इक्वेट करेंगे, तो उसमें हमें कंफ्यूजन होगी। सॉल्यूशन में देख लो क्या है, यहां पर क्या है कि एक बार डी टी बाई डी वी का इक्वेशन में दो बार इक्वेट नहीं करना पड़ेगा, यहाँ डायरेक्टली आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है? अरे कुछ तो बोलो। एवरीडी कोई दिक्कत है? हाँ, यहाँ पी नॉट भी होगा। तो अब यहाँ पे बेसिकली हाँ, यहाँ पे पी नॉट भी आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एन आर डी टी बाई डी वी। अब डिफरेंशिएट करो 3 P0, ठीक है, रुक जाओ एक सेकंड, है ना? कोई दिक्कत है यहां तक? एवरेडी यहां तक तो कोई दिक्कत है? यहां पे सलोनी तुम्हें डाउट क्या है बेसिकली? देखो, पिछले बार जब हमने क्वेश्चन किया था, नहीं समझ में आया क्या? अरे एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी तो हमने किया था, V की वैल्यू निकालने इक्वेशन में डालनी ही नहीं। अरे एक्चुअली में क्या किया ना हमने, देखो पिछले बार जो हमने जनरल इक्वेशन लिखी ना, जनरल इक्वेशन जो लिखी उसमें हमने पूरा जीरो कर दिया था और इसके तरह से लिख दिया था। फिर हम यहाँ क्या करना, यहाँ क्या किया हमने, हमने यहाँ पे डी टी बाई डी वी को सॉल्व किया, लेकिन ये हमें डी टी बाई डी वी को इक्वेट करना है ना जीरो, ये समझ में आ रहा है? फिर हमें मैक्सिमा तब होगा जब डी टी बाई डी वी जीरो होगा, तो यहां पर हमें फिर इसको जीरो करना पड़ रहा था, हमें इक्वेशन क्या करना पड़ता है, इसको लिखना पड़ता जीरो, तो फिर इसको सॉल्व करना पड़ता, समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आया? पहले मेथड से कर सकते थे हम, बट हमें फिर से इसको जीरो इक्वेट करना पड़ेगा, ये क्लियर हो रहा है सबको? तुम चाहो तो इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले मेथड से भी डायरेक्टली निकल सकता है। देखो डी टी बाई डी वी हमको जीरो करना है, तो डी टी बाई डी वी क्या आएगा, देख लो पहले मेथड से ही कर लेते हैं, पहले मेथड में ज्यादा कंफर्टेबल थे क्या? तो अब ये एन आर वी नॉट आ जाएगा, अब ये होना चाहिए जीरो, तो ये जीरो थोड़ी होगा, अब तो यही जीरो होगा ना ऊपर वाला टर्म, यानी 4 P0 V0 माइनस 2 P0 V होना चाहिए जीरो, ये न्यूमरेटर जीरो होगा, तो अब देखो क्या आया, 2 P0 V0
माइनस पी नॉट वी इज इक्वल टू जीरो, पी नॉट ये कट जाएगा ना पी नॉट, तो देखो क्या है, टू वी नॉट इज इक्वल टू वी आ गया, ठीक है, आ तो गया यहां से भी आंसर ना, बेसिकली हम इसको ही जीरो करना है, आंसर इससे भी आ गया, ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है तो यही यूज कर लो। सेकेंड स्टेप में अलग क्या किया, सेकेंड स्टेप में हमने डायरेक्टली यहां पे लिख दिया ऐसे इक्वेट करना, एक स्टेप में हो जाएगा हमारे, अलग कुछ नहीं किया यहां पे, पहला मेथड जो हमने यूज किया था वो भी सही है, दूसरा मेथड भी सही है, इसमें थोड़ा हमें ज्यादा करना पड़ गया, हमें लास्ट में इक्वेट करना पड़ा, खैर रिलेशन तो यही आ गया, ये सबको क्लियर है ना, v इज इक्वल टू टू वी नॉट पे मैक्सिमम आ रहा है। Everybody, is that clear or not? V is equal to 2 V naught पे maximum आ रहा है, ये clear हो गया ना सबको? तुम जैसे ही equate कर लो, ऐसे भी equate कर सकते हो, ऐसे भी equate कर सकते हो। Basically, dt by dv तो zero equate करना है। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं? और किसी को डाउट है? ठीक है, कुछ लोग बोल रहे थे सोल्यूशन में इस ये वाला मेथड दिया, ठीक है, ये मेथड में क्या है तुम्हारा एक बार में आंसर आएगा, तो v इज इक्वल टू टू वी नॉट पे आंसर आ रहा है, तो यहां पे आप पुट कर लो ना, एवरीबॉडी यहां पे पुट कर लो v इज इक्वल टू टू वी नॉट, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, जब v इज इक्वल टू टू वी नॉट होगा तो t मैक्स होगा ना, तो अब एन आर टी थ्री पी नॉट और v आ गया तुम्हारा टू वी नॉट, ठीक है, माइनस पी नॉट, वी नॉट क्या है 4 वी नॉट स्क्वायर अपॉन वी नॉट प्लस 2 पी नॉट वी नॉट, क्योंकि v इज इक्वल टू 2 वी नॉट, तो ये कितना आ रहा है चेक करो, 6 पी नॉट वी नॉट माइनस ये कितना आ जाएगा 4 पी नॉट वी नॉट प्लस 2 पी नॉट वी नॉट, ठीक है, तो ये कितना आया एवरीबॉडी बताइए, 4 पी नॉट वी नॉट आया एनआरटी, तो टी क्या आया बताओ एवरीडी, टी क्या आएगा इस बार, टी आएगा 4 पी नॉट वी नॉट अपॉन एनआर, अभी भी क्लियर है या नहीं है, अरे कुछ तो बोलो, क्लियर है ना, तो बेसिकली करना तो अपने को यही था ना, बेसिकली अपने को डीटी बाई डीवी को जीरो इक्वेट करना है, इज दैट क्लियर, बेसिकली अपने को डीटी बाई डीवी को जीरो इक्वेट करना है, कोई दिक्कत है? मेथड टू लिखना, कौन सा लिखना है, स्क्वायर वाले में कैलकुलेशन एरर कहां पे तुम्हें लग रहा है बताओ, इसमें नहीं 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 देख लो क्या है, ये सही है, एनआरटी वी से मल्टीप्लाई किया है तो ये थ्री वी नॉट इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा पी नॉट वी वी नॉट और यहाँ वी मल्टीप्लाई स्क्वायर किया है ना, ये सही है, ये सही है, सही है, वी नॉट नहीं है, दिस इज वी, ये वी पी चेंज कर दिया था, डन एवरीवन, हो गया सबका सॉल्व, किसी को डाउट है आगे बढ़े, एवरीडी आगे बढ़ सकते हैं, लिख लिया, ठीक है, तो बेसिकली अपने को करना यही था, डीटी बाई डीवी क्या करना था, जीरो इक्वेट करना था, राइट, वही काम करना था, ठीक है। So guys, can we come back to adiabatic process? याद है हमने last class में क्या पढ़ा था? Last class में हमने पढ़ा था adiabatic process. See, last class में हमने adiabatic process पढ़ा था.
तो एडियाबैटिक प्रोसेस में अपने को ये पता चला था कि स्लोप जो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस का, एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं वो स्लोप क्या आता है, एक समय बता देता हूं। स्लोप आता है एडियाबैटिक प्रोसेस का माइनस गामा टाइम्स पी बाई वी, और स्लोप जो है किसका आता है, आइसोथर्मल का, क्या आता है एवरीडी, माइनस पी बाई वी, है ना। तो जो स्लोप एडियाबैटिक का है ये गामा टाइम्स होता है स्लोप किसके, एवरीडी, आइसोथर्मल के स्लोप के गामा टाइम्स होता है, राइट। अब गामा अपन ये जानते हैं कि ग्रेटर देन वन होता है, ये तो सबको पता है ना, ये तो सबको पता है कि गामा जो है ग्रेटर देन वन है। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि एडियाबैटिक का स्लोप हमेशा ज्यादा होता है, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, राइट। डन, तो ये लिखना है क्या फिर से, डू यू वॉन्ट टू राइट दिस अगेन, ये तो हमने लास्ट क्लास में किया था ना। अब देखो इसमें समझने वाली बात ये थी कि अब स्लोप में क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये वाई है और ये एक्स है, तुम अलग अलग लाइंस बनाते जाओ, ये एक्स इज इक्वल टू वाई हो गया, या वाई इज इक्वल टू एक्स है, ये वाई इज इक्वल टू टू एक्स है, ये वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स है, ठीक है ना। तो स्लोप बढ़ रहा है, व्हाट डज इट मीन, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब सेम डेल्टा एक्स के चेंज पे, जैसे डेल्टा एक्स का चेंज रखता हूं मैं, सेम देखो डेल्टा एक्स सेम है, तो अब डेल्टा वाई जो होगा, डेल्टा वाई वन ये मान लेते हैं, फिर ये है डेल्टा वाई टू, फिर ये है डेल्टा वाई थ्री। तुम्हें नहीं लगता है स्लोप ऑफ टेंजेंट बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब सेम डेल्टा एक्स पे डेल्टा वाई का चेंज ज्यादा वहां पे आ रहा है, मतलब ऐसा बोलूं तो डेल्टा एक्स देखो हर केस में सेम है, ये बात तो आई थिंक सबको चमकनी चाहिए, डेल्टा वाई थ्री इज ग्रेटर देन डेल्टा वाई टू ग्रेटर देन डेल्टा वाई वन है, कोई दिक्कत है। तो यही है मतलब, स्लोप ज्यादा है इसका मतलब, यदि dy by dx यदि ज्यादा है तो इसका मतलब सेम dx पे ज्यादा dy चेंज होगा, यही मतलब है ना इसका, एवरीडे इज दैट क्लियर और नॉट। अरे हाँ यार कुछ तो बोलो, dy by dx ज्यादा है इसका मतलब सेम dx पे dy ज्यादा चेंज होगा, यही मतलब होता है स्लोप ज्यादा होने का। तो अब यदि हम यही चीज को एक्सपेंशन में रिप्रेजेंट करते हैं कंपेयर करने के लिए आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस को, ठीक है, कंपेयर करने के लिए आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस को, तो अब जरा समझने की कोशिश करो, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये हमने एक पॉइंट ए चूज किया है और हम एक फाइनल वॉल्यूम चूज कर ले रहे हैं पॉइंट बी पे, और ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो एडियाबैटिक में देखो वॉल्यूम चेंज तो सेम है, तो प्रेशर डिक्रीज ज्यादा होना चाहिए ना, ये क्लियर है। या अभी भी किसी को डाउट है, थोड़ा ऊपर करो, मतलब व्हाट ऊपर नहीं लिखा था क्या, ऊपर वाली चीज तो कोई कंसेप्ट नहीं थी ना, वो तो मैथमेटिक्स है, ये लिखना है तुम्हें तो? पार्थ लास्ट सेंटेंस तो यही था कि समझा रहा था कि ग्राफ में कैसे है, लास्ट सेंटेंस में तो यही समझा रहा था ना, ग्राफ में कोई कंसेप्ट थर्मोडायनेमिक्स इसका तो दिल में बताया था मैंने। ऊपर का लास्ट सेंटेंस ये है, लास्ट सेंटेंस स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, ठीक है। डन,
तो देखो आइसोथर्मल के लिए ये कर रहे हैं, ठीक है। तो आइसोथर्मल का अपने को ये आया एरिया अंडर कर्व, और एडियाबैटिक के लिए ये आया अंडर कर्व। तो अब तुम समझ सकते हो ना कि वर्क डन आइसोथर्मल के केस में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, प्रोवाइडेड क्या यहां पर कंडीशन लिखा है, प्रोवाइडेड डेल्टा वी इज सेम, ठीक है, डेल्टा वी सेम रखें तो। अब आगे बढ़ सकते हैं। ओके okay, अब कंप्रेशन में कर सकते हो क्या कंपेयर? कैन वी टॉक ऑफ कंप्रेशन इन द सेम केस? देखो मान लो इनिशियली हमने एक पॉइंट ए चूज किया है, यहां से देखेंगे इस बार कंप्रेशन में तो वॉल्यूम कम होता है ना एवरीडिंग, ठीक है। तो मान लो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है और इस बार भी हमने डेल्टा वी सेम रखा है, तो एडियाबैटिक वाली लाइन बी के नीचे आएगी या ऊपर आएगी ये बताओ। एडियाबैटिक वाली जो लाइन है वो बी के नीचे जाएगी, पॉइंट जो फाइनल वो बी के ऊपर आएगी, एक्चुअली बी के ऊपर जाएगी, ये समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि स्लोप ज्यादा है तो सेम डेल्टा वी में इस बार ज्यादा चेंज आएगा ना, तो ये सी हो जाएगा ये आइसोथर्मल। ये समझ में आया सबको कैसे, क्यों ऊपर भेज दिया मैंने इसको? देखो ये वाला एडियाबैटिक है, ए टू सी इज एडियाबैटिक और ए टू बी जो है ना वो आइसोथर्मल है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है इसमें? तो अब तो उल्टा हो गया ना, अब तो वर्क डन इन एडियाबैटिक ज्यादा है एज कंपेयर टू वर्क डन इन आइसोथर्मल। ये बात सबको समझ में आ रही है? ऊपर क्यों आया कल्पेश? क्योंकि स्लोप ज्यादा है ना, स्लोप ज्यादा है इसका मतलब सेम डेल्टा वी पे पी में ज्यादा चेंज होगा, यानी इंक्रीज हो रहा है तो ज्यादा इंक्रीज होगा और डिक्रीज हो रहा है तो ज्यादा डिक्रीज होगा। इज इट क्लियर है? Done everyone? दोनों कर्व ए से इंटरसेक्ट, क्योंकि हम पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, हम एक इनिशियल वॉल्यूम से स्टार्ट तो करेंगे ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम ही होगी। मान लो दो लोग दौड़ रहे हैं अलग अलग टाइम पे अलग भागेंगे, बट स्टार्ट तो सेम पॉइंट से करते हैं ना। डन एवरीवन? ओके यू हैव टू रिमेंबर दिस कंडीशन, व्हाई? यू जस्ट नीड टू ड्रॉ द ग्राफ, यू नो द स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन दैट ऑफ आइसोथर्मल, तो आपको ये रटने की आवश्यकता थोड़ी है, ये तो आप बना सकते हो ना सोच करके, ठीक है। देखो अब आगे बढ़ रहे हैं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन फॉर थ्री डिफरेंट गैसेस, वी विल बी टॉकिंग अबाउट एडियाबैटिक एक्सपेंशन ओनली। ओके
डन। चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम नहीं होगा उस केस में, बिकॉज अच्छा ये बताओ पिछले केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम होगा क्या? एवरीडी चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो सब सेम होगा ना, जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो। क्लियर हो रहा है एवरीडी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो सब सेम होगा जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो। यहाँ दोनों थोड़ी सेम है, इनिशियल फाइनल स्टेट्स अलग अलग है ना। जैसे तुम देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम ए टू सी आएगा जो भी है, एफ बाई टू एन आर टी सी माइनस टी, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी आएगा एफ बाई टू एन आर टी बी माइनस टी। तो सेम तो नहीं है ना, ये तभी सेम होगा और जब टी सी और टी बी की टेम्परेचर सेम, लेकिन ऐसा तो नहीं है, तो अलग होगा राइट। ठीक है ओके फाइन। सो नाउ लेट अस सी एडियाबेटिक एक्सपेंशन फॉर थ्री डिफरेंट गैसेस। मान लो अपन तीन अलग अलग गैसेस की बात कर रहे हैं इस बार, वी आर टॉकिंग अबाउट थ्री डिफरेंट गैसेस। ठीक है लेट अस से वन, एक जैसे पहला गैस हीलियम है, दूसरा H2 है, और तीसरा समथिंग लाइक O3 है। तो हम कोई पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है पॉइंट बी पे जाते हैं ऐसा, ठीक है ये पॉइंट सी पे जाते हैं और ये पॉइंट डी पे जाते हैं राइट। तो कुछ इस तरह का अपने को देखने को मिलता है। तो ये बता सकते हो कि कौन सा कर्व किस गैस के लिए होगा? देखो स्लोप जो है इट इज माइनस गामा टाइम्स पी बाई वी राइट। तो जितना ज्यादा गामा है, अब देखो तुम्हें पता है हीलियम के लिए 1.67 होता है, H2 के लिए डाई एटॉमिक है तो 1.4 होगा और इसके लिए 1.33 होगा राइट। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर है नहीं? कुछ तो बोलो। तो किसके वैल्यूज हैं ये? गामा, गामा के वैल्यूज हैं। गामा 5 बाई, देखो ये होता है ना 5/3, 7/5, 4/3, तो ये वो वैल्यूज हैं। ठीक है ठीक है। तो अब बताओ इसमें ए बी कौन सा? देखो ए बी क्या होगा पता है? ए बी होगा O3, ए सी होगा H2 और ए डी होगा HE। ये समझ में आया कैसे? एवरेज ये समझ में आ रहा है कैसे? नहीं, श्रेय ऐसे ही होना चाहिए। ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है? एवरीडी ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है? एक्चुअली जिसका गामा सबसे ज्यादा है उसका सेम डेल्टा वी पे डेल्टा पी सबसे ज्यादा आएगा ना। देखो डेल्टा वी सेम है यानी सेम वॉल्यूम चेंज पे प्रेशर डिक्रीज उस केस में सबसे ज्यादा होगा जिसका गामा हाईएस्ट है। तो गामा हाईएस्ट तो हीलियम के लिए है ना, तो हीलियम सबसे नीचे जाना चाहिए और गामा लीस्ट है O3 के लिए, तो O3 सबसे ऊपर रहना चाहिए। तो ये कौन सी बड़ी मुश्किल चीज है? श्रेयस अभी क्लियर हुआ या नहीं हुआ तुम्हारा? क्लियर अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि तीन अलग अलग ग्राफ है, इसमें स्लोप सबसे ज्यादा है ना इसका 1.67 हीलियम का, तो ये सबसे नीचे जाएगा ना ऑब्वियसली, सबसे ज्यादा डिक्रीज होगा प्रेशर में क्योंकि स्लोप सबसे ज्यादा है।
यदि तुमने y is equal to minus 8x लिखा, y is equal to minus 16x लिखा, तो तुम ग्राफ बना रहे हो minus 8x का कुछ ऐसा, तो minus 16x का और नीचे जाएगा ना, तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें। रिटर्न दोनों मोनोटॉमिक गैस ली तो कम भी है, इंटरसेक्ट कर जाएंगे ग्राफ एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, दोनों का गामा सेम ही है। तो ग्राफ जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है एवरीबॉडी, आगे बढ़ जाएं। अब ये तो हो गया एक्सपेंशन, कंप्रेशन के लिए बता सकते हो क्या होगा? एवरीबॉडी कैन यू एक्सप्लेन कंप्रेशन के लिए क्या होगा? जैसे ये देखो P है और ये V, उन्होंने पॉइंट A से स्टार्ट किया, इस तरह से यहाँ पॉइंट B पे पहुंचे, C और ये D, तो इस बार कौन होगा सबसे ऊपर बताओ? इस बार AD किसके लिए होगा? हीलियम AD, AD हाँ, AC होगा H2 के लिए और AB होगा इस बार O3 के लिए, उल्टा हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो वर्क डन भी अलग-अलग होगा, करेस्पोंडिंग टू द एरियाज अंडर द कर्व, वर्क डन भी अलग-अलग होगा, यानी एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन तो नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड करता है, राइट? ये हर केस में नहीं होता, सिर्फ एडियाबेटिक प्रोसेस में ही होता है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस also depends on the gamma of gas, yani nature of gas bol sakte ho, gamma pe depend karta hai. Fine everybody, clear or not? Scroll karo upar. हाँ हाँ सिर्फ एडियाबेटिक में ही ऐसा होता है। रिटर्न प्रथमेश, ओके एडियाबेटिक की बात यहां तक तो हो गई, वेट करो। एडियाबेटिक में क्यों होता है? क्योंकि ग्राफ अलग अलग आ रहा है ना, एरिया अंडर द कर्व अलग अलग आ रहा है, इसलिए आता है अलग अलग। बाकी केसेस में गामा की कोई डिपेंडेंसी होती नहीं है इक्वेशन लिखने में। ठीक है श्रेयस, बाकी केसेस में मैथमेटिकल इक्वेशन गामा पे नहीं डिपेंड करता, इसलिए स्लोप्स जो है उसके ऊपर डिसाइड नहीं होती। हाँ दिस इज गामा, दिस इज गामा, दिस इज सीपी बाई सीवी, दिस इज कॉल्ड एडियाबेटिक कॉन्स्टेंट, इसकी बात कर। डन एवरीवन, एवरीडे डन। ओके क्वेश्चन है, व्हेन हीट गिवन टू द सिस्टम
एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, व्हेन हीट गिवन टू द सिस्टम इज सेम, देन वर्क डन इज मैक्सिमम इन विच प्रोसेस, जब हीट गिवन टू द सिस्टम सेम है तो कौन से प्रोसेस में मैक्सिमम काम होगा? पहला है ऑप्शन आइसोथर्मल, सेकेंड इज एडियाबैटिक, ठीक है, थर्ड की बात कर ले तो आइसोकोरिक, एंड फोर्थ इज आइसोबारिक। क्या होगा आंसर श्रेष्ठ? तो आंसर तुम्हारा गलत है विवेक, आदित्य सब लोग गलत ही आंसर दे रहे हो यार। सी मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग बी, बट बी इज नॉट द करेक्ट आंसर। सिद्धेश तुम्हारा आंसर सही है, सिद्धेश एंड कल्पेश महावेश, करेक्ट आंसर इज ए आइसोथर्मल। एडियाबैटिक में तो हीट देते ही नहीं है सबसे पहली चीज ये, और यहां पर बोला ये नहीं गया कि सेम इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम है। अरे यहाँ पे ये वाली कंडीशन दी गई है क्या कि इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम है? तब कंपेयर करते थे ना यहाँ पे पिछले केस में, एवरीडे याद आ रहा है? यहां पर तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है क्वेश्चन में कि ये वाली कंडीशन तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ बोला जा रहा है कि जब सिस्टम को सेम अमाउंट ऑफ हीट देते हैं तो मैक्सिमम वर्क कहाँ पे होगा बताओ? ये आइसोथर्मल में होगा, बताया भी था पहले कि कुछ रखता ही नहीं है, सब कुछ कन्वर्ट कर देता है वर्क में। यदि सेम अमाउंट ऑफ हीट दोगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो लेता ही नहीं है। एक ऐसा मासूम और ईमानदार बच्चा है कि घर से जितना पैसा लेता है उतने का सामान लेके आता है, वो कुछ जेब में नहीं रखता, कुछ खर्च नहीं करता। बाकी सारे प्रोसेस में कुछ ना कुछ तो खर्च होता ही है ना, आइसोबारिक में भी तुम हीट दोगे कुछ ना कुछ रख लेगा और बचेगा उसको वर्क करेगा, राइट? आइसोकोरिक में तो काम होता ही नहीं है, ये सारा ही रख लेता है, जो भी हीट दोगे उसको इंटरनल एनर्जी में ही रख लेगा, ठीक है। और एडियाबैटिक में तो हीट ही नहीं लेता, ये कहां से मैक्सिमम कर सकता है? तो यदि तुमने हीट दिया सेम तो मैक्सिमम वर्क आइसोथर्मल में होता है। आइसोथर्मल को बताया था परफेक्ट हीट एक्सचेंज मैकेनिज्म, याद है? Done everyone. इसमें किसी को डाउट है? आगे बढ़ जाए, लिखना है किसी को? सी और डी को एक्सप्लेन करें। सी देखो, आइसो कोरिक में तो कुछ होता ही नहीं है ना काम, वर्क डन जीरो होता है उसके केस में। आइसोबारिक में यदि तुम हीट दोगे तो इंटरनल एनर्जी तो चेंज होता ही है ना। आइसोबारिक में यदि तुम हीट देते हो तो इंटरनल एनर्जी तो चेंज होता ही है ना, सो दैट इज हाउ इट इज एक्सप्लेन। क्लियर? ओके। क्या कुछ काम है क्या? अर्ली क्यों छोड़ू? पास में लाउड स्पीकर चालू है, पतंग उड़ाना है, डीजे बजाना है, क्या बोल रहा है रे? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the initial and final volume
आर सेम ड्यूरिंग एक्सपेंशन. देन वर्क डन विल बी मैक्सिमम इन विच प्रोसेस. देखो इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम है तो क्या होगा, मतलब जैसे ये मान लो एक पॉइंट ए है, एक्सपेंशन हो रहा है और फाइनली फाइनल वॉल्यूम बी पे हम जाना चाहते हैं. दिस इज पॉइंट ए पॉइंट बी, यहाँ पर ये वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे प्रेशर रिप्रेजेंट करता है, तो किस केस में वर्क डन मैक्सिमम होगा? ऑप्शन है आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक. श्रेयस अगेन आंसर गलत है आपका, एंड आइसोबारिक. देखो यदि तुम सोचते हो तो आइसोथर्मल कैसे जाएगा, आइसोबारिक में तो क्या है, आइसोकोरिक में तो वॉल्यूम ही नहीं चेंज होगा ना, तो ये तो यही रह जाएगा नीचे. कैसे मान लो आइसोकोरिक में तो वॉल्यूम चेंज ही नहीं होता, इसको ऐसा मान लो. आइसोबारिक में तो कांस्टेंट प्रेशर पे ऐसे जाएगा, आइसोथर्मल कुछ ऐसा जाएगा और एडियाबैटिक तो और नीचे जाएगा, राइट? तो अब आंसर तो क्या बनना चाहिए बताओ, आइसोबारिक बनना चाहिए ना. ए बी तुम्हारा आइसोबारिक है, ठीक है, ए सी तुम्हारा आइसोथर्मल है और ए डी एडियाबैटिक है. ए ई मान लो, लेट से इट इज आइसोकोरिक, तो आंसर तो डी होना चाहिए ना ऑलरेडी. इज दैट क्लियर नॉट? तो अब ये देखो वर्क डन किस तरह से पूछ रहा है ना, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या मतलब कंडीशंस गिवन है. नॉर्मली ग्राफिकली जो हम कंपेयर करते हैं इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम रख के करते हैं, बट पूछ तो अलग अलग तरह से सकते हैं और ये जो तरीका है पूछने का ग्राफिकली वो ज्यादा कॉमन है और तुमको इसके क्वेश्चन ही ज्यादा मिलेंगे. हीट सेम रख के इस तरह से कम ही पूछते हैं. कोई डाउट है इसमें? सी तो वी हैव कवर्ड अ फ्यू बेसिक प्रोसेसेस लाइक आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक एंड साइक्लिक. इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ओके फाइन. श्रेयस इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, पहले रुक जाओ, हमें दो प्रोसेस और कंप्लीट करना है, ठीक है. बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें. ठीक है ठीक है. Done everyone? Okay. देखो अब अपने को पढ़ना है टाइप्स ऑफ प्रोसेस. ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्सिबिलिटी. देखो यदि हम रिवर्सिबिलिटी के हिसाब से बात करें, ठीक है, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस. फर्स्ट इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस. ठीक है, दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस,
और एक होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस. लेट अस स्टार्ट दीज प्रोसेसेस. ये लिख लिया हमने. तो लेट अस स्टार्ट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं. रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस. तुमने कई जगह पे क्वेश्चन में भी देखा होगा ना प्रोसेस रिवर्सिबल इरिवर्सिबल करके क्वेश्चन दिया होगा, राइट? Done everyone. Parth, can I scroll down? Okay. तो देखो हमने जैसे डिफाइन किया है रिवर्सिबिलिटी के बेसिस पे, देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस, एक तो रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल. See, a process is called reversible. एक प्रोसेस को रिवर्सिबल बोलते हैं when it can be reversed. Between any two points defined between initial and final state. ये समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी ये बात समझ में आ रही है? और इसको बोलेंगे प्रोसेस इज कॉल्ड इरिवर्सिबल. When it cannot be reversed, जब इसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे, राइट? यदि हम इसको इसके फाइनल स्टेट से रिवर्स नहीं कर पाते तो इसको रिवर्सिबल बोलेंगे. ये एक बार डेफिनेशन लिख लीजिए. हाँ, विल रिवर्सिबल का मतलब वापस आता है. आई विल टॉक अबाउट, हमें तो चालू किया, रुको थोड़ा सा समझता में लगेगा. पहले डेफिनेशन लिखो. Done everyone. We'll talk about the points, don't worry. Have you written this test? Itna hi bol. ठीक है, reversible irreversible की बात तो हम करने वाले हैं. ये डेफिनेशन लिख लिया तो ठीक है. देखो मान लो जैसे हमने एक पॉइंट ए से स्टार्ट किया, राइट? प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में हमने कोई एक पॉइंट चूज किया ए, यहां से अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और पहुंचते हैं पॉइंट बी पे. तो रिवर्सिबल तब हो सकता है जब ए से बी जा सकते हैं और बी से ए हम वापस आ सकते हैं. इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, एक प्रोसेस को हम रिवर्सिबल तब बोलेंगे जब हम ए से बी जा सकते हैं और बी से वापस ए आ सकते हैं. मान लो हमने कोई बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट डी डिफाइन किया, तो हम ए से डी भी जा सकते हैं, हम डी से ए भी जा सकते हैं, राइट? मान लो हमने कोई इंटरमीडिएट पॉइंट ई डिफाइन किया, तो हम ए से ई भी जा सकते हैं और ई से ए भी जा सकते हैं, ठीक है? हमने इसी तरह कोई और पॉइंट डिफाइन कर दिया क्यू, तो हम ए से क्यू जा सकते हैं और क्यू से ए भी जा सकते हैं.
मतलब समझ में आ रहा है, हम किसी भी पॉइंट से किसी भी मतलब सेम प्रोसेस में, करेक्ट, किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट की तरफ जा सकते हैं, समझ में आया, कहीं से भी कहीं भी जा सकते हैं। अब मान लो ये तुम्हारा घर है, ठीक है, एंड लेट्स से दिस इज योर स्कूल, तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तुम घर से स्कूल जाते हो, राइट, तो तुम घर से स्कूल के बीच में कहीं भी पॉइंट से कहीं, ये रास्ते में किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट पे जा सकते हो, इसका मतलब समझ में आ रहा है, तुम्हें पूरा रास्ता पता है, राइट, यू हैव ए वेल डिफाइंड पाथवे, तुम्हें पूरा रास्ता पता है, इसीलिए तुम किसी भी पॉइंट पे किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट पे जा सकते हो। ये थोड़ा चमक रहा है क्या? रिवर्सिबल इसलिए है बिकॉज पाथवे नोन है। Can't we take different point rather than on line or river? मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? कौन से point different लेना चाहते हो? हम उसी process के अंदर जो points आ सकते हैं उसकी बात करेंगे ना। E to D भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम कहीं से भी कहीं भी जा सकते हो, तुम्हें पूरा पाथवे पता है, तो किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट पे जा सकते हो, वो तो मैं बोल ही रहा हूँ। तुम क्यू से डी भी जा सकते हो, क्यू से बी भी जा सकते हो, ए टू डी भी जा सकते हो, क्यू टू डी भी जा सकते हो, ई टू बी भी जा सकते हो, कोई भी दो पॉइंट चूज कर लो, तुम कहीं से भी कहीं भी जा सकते हो। Is that clear? तो यहां पे क्या होता है, वेल डिफाइंड पाथवे, यहां पे तुम्हारे पास एक वेल डिफाइंड पाथवे है जहां पे हर पॉइंट डिफाइंड है, और पॉइंट्स कितने डिफाइंड है ए और बी के बीच में, इनफाइनाइट पॉइंट्स आर डिफाइंड बिटवीन ए एंड बी। ये कुछ समझ में आ रहा है, ए और बी के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स डिफाइंड है, अरे किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट पे जा सकते हो, तो बीच में डिफाइंड पॉइंट्स कितने हुए बताओ एवरीबॉडी, बीच में डिफाइंड पॉइंट्स कितने हुए, इनफाइनाइट हुए। अब देखो बात कर लेते हैं इरिवर्सिबल की, ठीक है, पॉइंट हम बात कर लेते हैं इरिवर्सिबल की, तुम एक पॉइंट ए से बी जाना चाहते हो, यहां पे क्या है कहानी, तुम ए से बी जा सकते हो बट बी से ए वापस नहीं आ सकते, ये समझ में आ रहा है, थोड़ा सा तुमको समय लगेगा बट चमक जाएगा, टेंशन मत लो, तुम ए से बी गए बट बी से ए वापस नहीं आ पा रहे, तो तुम क्या ग्राफ बना सकते हो, जैसे मान लो तुम पिकनिक मनाने गए, यू वेंट ऑन फॉर अ ट्रिप, ठीक है, तुम ट्रिप पे कहीं गए जंगलों वगैरह में सैर करने, ठीक है, ठीक है, तुम जंगलों से निकले सैर करने, तुम एक पॉइंट से ए से निकले और जंगल की मतलब जो भी खूबसूरती थी प्रकृति की उसमें मदहोश हो गए और चलते गए चलते गए चलते गए, फाइनली तुम पॉइंट बी पे पहुंच करके सोचते हो कि मैं किधर आ गया, ठीक है, तुम पॉइंट बी पे पहुंच जाते हो और सोचते हो कि मैं कहां आ गया, तो अब पॉइंट ए पे तुम वापस नहीं जा सकते हो, व्हाट इज द रीजन व्हाई कांट यू गो बैक टू पॉइंट ए, because you don't know the rasta, you don't know the path, right, path is not defined for you, theek hai, to jab rasta tumhe nahi pata to tum wapas to nahi ja sakte, are yaar tum reactions pe kaise ja rahe ho, abhi dheere dheere kahani lo na bhai, understand it through a sequence, reaction mein kaise will see that at that time, theek hai, pehle process to samjho kya hota hai ye, कुछ रिएक्शंस रिवर्सिबल होते हैं ना, कुछ रिएक्शंस इरिवर्सिबल होते हैं, देयर आर केसेस, डोंट वरी अबाउट दैट, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू लाइक कवर, जो चल रहा है उसको थोड़ा समझो, तो बेसिक बात तो ये है कि हम ए से बी गए, बी से ए वापस नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि हमको पाथवे पता नहीं है, राइट, एवरीबॉडी पाथवे हमें नहीं पता, राइट, ओके, अब एक बात बताओ, मान लो तुम्हें केमिकल चेंजेस परमानेंट होते हैं, हर बार नहीं, रिएक्शन की कंडीशन पे डिपेंड करते हैं, अरे तो मैं पुरानी क्लासेस वाली बातें कर रहा हूँ, फिजिकल चेंज केमिकल चेंज, तो क्लास 9th में पढ़ते हो, अब उसकी बात करने लगे हो, अरे मतलब देखो बच्चों को ऐसे बताया जाता है, जैसे मान लो कहानी अलग होती है ना, जब बच्चा पैदा होता है तो बोलते हैं ना चंदा चांद को मून को देख के वो तुम्हारा मामा है, तो एक्चुअली मामा होता है क्या, तो बच्चों को तो कुछ भी बोल देते हैं ना, बच्चों को मामू बनाते हैं, तो धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं तो उनको समझ में आता है कि भाई उनके साथ क्या क्या हुआ,
राइट right? Here, let us come down to this. Fine. So see, we start with a point A, we move to point B, but we can't get back to point A, right? हम वापस नहीं जा सकते. Reason क्या? Why can't we get back to point A? Everybody, why can't we get back to point A? The reason is because we didn't know the path, right? हमको path ही नहीं पता था. But अचानक से तुमको याद आता है यार, बीच में ना एक बड़ा सा अच्छा सा झरना था. तो झरना तुम्हारे लिए एक point D आ गया. ठीक है, तुम्हें कुछ याद आ रहा है धीरे धीरे. तो अब बीच में तुम्हें याद आ रहा है कि बीच में कहीं एक झरना था, राइट? एवरीबॉडी, बीच में एक पॉइंट याद आ रहा है तुम्हें, बीच में एक झरना था. धीरे धीरे तुम रिकलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि तुमने पास्ट में किया क्या. तो अब पॉइंट बी से डी अभी भी तुम जा सकते हो क्या? पॉइंट डी से बी अभी भी नहीं जा सकते हो. क्यों नहीं जा सकते हो? क्योंकि बीच और बी और डी के बीच में भी काफी सारे पॉइंट्स थे जो तुम्हें याद नहीं है. ठीक है, अब डी और बी के बीच में तुम कुछ और याद करते हो कि हाँ, एक बीच में बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, लेट से वो पॉइंट ई है. ठीक है, फिर तुम कुछ धीरे धीरे याद करते हो. तो पूरा पाथवे डिफाइन करने के लिए कितने पॉइंट्स लगेंगे बताओ? पूरा पाथवे डिफाइन करने के लिए कितने पॉइंट्स लगेंगे? इनफाइनाइट. तो अब एक बात बताओ, जब तुम घर से स्कूल जाते हो तो तुमको रास्ते में तुम क्या याद रखते हो पता है? तुम रेफरेंस पॉइंट्स याद रखते हो कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, और वो रेफरेंस पॉइंट्स के बेसिस पे तुम वो रास्ता में चलते हो. आर वी क्लियर ऑन दिस? तुम्हें रास्ता नहीं याद होता, तुम्हें रेफरेंस पॉइंट्स याद होते हैं. तुम उस रास्ते पे जितनी बार चलोगे, जितनी बार आओगे जाओगे, उतने ज्यादा रेफरेंस पॉइंट्स याद होंगे. इज दैट क्लियर? बट कितनी भी बार चलो, इज इट पॉसिबल कि तुम्हें इनफाइनाइट रेफरेंस पॉइंट्स याद हो? ठीक है, नहीं है ना पॉसिबल. तो सिर्फ एक इनिशियल, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट हो तो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट होगा डिफाइंड, तो उसको हम बोलते हैं इररिवर्सिबल, इररिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे. ठीक है, क्योंकि सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट है, राइट? एक पॉइंट इनिशियल है, एक पॉइंट फाइनल है. यहां पे नो पाथवे इज डिफाइंड, पाथवे कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ हमें इनिशियल पता है और फाइनल पता है. अब खुद सोचो, रेफरेंस पॉइंट्स बढ़ाते जाओगे तो किसकी तरफ मूव कर रहे हो? इफ यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रेफरेंस पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी, देन यू आर मूविंग टुवर्ड्स रिवर्सिबिलिटी. और कंप्लीटली रिवर्सिबल होने के लिए इनफाइनाइट पॉइंट्स चाहिए. ये समझ में आ रहा है? कंप्लीटली रिवर्सिबल होने के लिए इनफाइनाइट पॉइंट्स चाहिए. See, infinite points याद रखना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इनफाइनाइट पॉइंट्स वाली जो कॉन्सेप्ट है रिवर्सिबल, वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बट इररिवर्सिबल एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है. ठीक है, जैसे पिस्टन को तुम एक इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे लेके जाओगे, तो रेफरेंस पॉइंट्स इनफाइनाइट रख सकते हो क्या? एक लीटर से दो लीटर तक एक्सपेंड करोगे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे ऑब्जर्व कर सकते हो उसको? नहीं कर सकते हो. दो तीन पॉइंट्स पे तुम ऑब्जर्व कर सकते हो. और सीधा केस में तो क्या होता है, पिस्टन फ्रिक्शनलेस होता है, तो सीधा एक इनिशियल से सीधा भागता है फाइनल पे, राइट? तो दो ही पॉइंट नॉर्मली डिफाइंड होते हैं. तो अब कुछ लग रहा है रियलिस्टिक कि क्या होता है रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल? कुछ आइडिया लग रहा है? ठीक है, तो इसको लिख लो, ड्रॉ इट. पिस्टन की प्रोसेस के लिए डिफाइंड है. वी विल सी दैट. अभी रुक जाओ, हम लोग देखेंगे चीजों को, रियलाइज करेंगे इसमें कैसे पिस्टन और प्रोसेस को बताएंगे. रिटन एवरीवन. तो अब देखो, बेसिकली सिर्फ दो रेफरेंस पॉइंट्स हैं तो रिवर सी ये समझ में आ रहा है सबको? ये बेसिकली हमें समझना है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट है सिर्फ अपने पास, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. तो प्रोसेस कैसा होगा? एवरीबॉडी, इरिवर्सिबल होगा ना? पाथवे तो पता ही नहीं, तुम जा ही नहीं सकते हो वापस.
ठीक है चलो नहीं राइट इट डाउन। Done everyone. So let us try to So let us just try to define things. Like यदि सिर्फ initial और final point defined है, right? यदि सिर्फ और सिर्फ initial और final point defined है, तो अपन ये बात तो समझ रहे हैं ना कि process irreversible ही होगा। Everybody, is that clear? Fine. So if we increase the, if we start increasing the number of reference points between A and B, या फिर जो भी initial और final point है, then we will move towards reversibility. ठीक है? For a completely reversible process, the number of points required is equal to infinite. ठीक है? Done everyone? Okay, written. Everyone written not? ठीक। अब देखते हैं realization. Realization of reversible and irreversible process. देखो अब इसको रियलाइज कैसे करेंगे पिस्टन और सिलेंडर वाले सिस्टम में। ठीक है, ये हमें देखना है कि हाउ डू वी रियलाइज दिस इन अ पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म। जो पिस्टन और सिलेंडर वाला मैकेनिज्म होता है उसमें कैसे रियलाइज करेंगे, तो सबसे पहले एक तरफ लिख लेते हैं रिवर्सिबल और दूसरी तरफ लिख लेते हैं इरिवर्सिबल। ठीक है, ये टॉपिक लिख लिया ना सबने रियलाइजेशन। ठीक है, तो हम लोग रियलाइज करेंगे एक्सपेंशन के अंदर। ठीक है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन करेंगे और इधर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन करेंगे। देखो यहां पे क्या है, तुम्हारे पास गैस है और गैस के ऊपर हम रख देते हैं थोड़ा सा लेट से ऐसा कुछ। यहां पे हमने पाइल लिख रख दिया है, दिस इज पाइल ऑफ सैंड, पाइल ऑफ सैंड। लेट से इसका मास है 1 kg। ठीक है, और यहां पर ये स्टेट में इसका मास है पाइल ऑफ सैंड का लेट से 0.5 kg। ठीक है, यहां पे भी कुछ ऐसा ही करेंगे,
यहाँ पे अपन दो ब्लॉक रखेंगे 0.5 kg के, दिस इज 0.5 kg ब्लॉक एंड दीज आर ऑल्सो टू ब्लॉक्स ऑफ 0.5 kg, ठीक है। तो अब यहां पे क्या करेंगे पता है, यहां पे जो पार्टिकल हटाएंगे ना, सी यहां पे सैंड लिया है, यहां पे ब्लॉक लिया है, कुछ रीजन समझ में आ रहा है कि कैसे रिलेट होगा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल से? सरफेस एरिया, अरे तुम 1.5 का ब्लॉक हटाओगे ना तुरंत भाग जाएगा ये स्टेट ए और स्टेट बी के पास, एक स्टेप में भागेगा ये, समझ में आ रहा है? तुमने एक ब्लॉक हटाया ना तो ये एक स्टेप में भागेगा, और सैंड के पार्टिकल्स कितने होंगे? इनफिनाइट। तो तुम एक एक करके हटाओगे ना तो धीरे धीरे चलेगा और ज्यादा पॉइंट्स डिफाइन हो पाएंगे। कुछ आइडिया लग रहा है यहाँ पे इनफिनाइट पॉइंट्स कैसे आएंगे? डीएम जो मास ऑफ सैंड पार्टिकल्स है वो काफी बारीक पार्टिकल्स है राइट, जब हम उनको हटाएंगे तो नंबर ऑफ पॉइंट्स जो अपने को मिलेंगे इस केस में वो ज्यादा होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो एक ही स्टेट मिलेगा, एक इनिशियल और एक फाइनल, बीच वाले तो मिलेंगे ही नहीं ना, तो यहाँ पे टू स्टेट्स आर डिफाइंड, देख लो एक इनिशियल और एक फाइनल। जैसे ही तुमने एक केजी का ब्लॉक हटाया तो ये सीधा बी पे भाग जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे स्टेट्स में जाएंगे। तो ये लिख लो एक बार, राइट इट डाउन। कोई बात नहीं सिद्धेश, पहले राइट इट डाउन, इसको लिख लीजिए, राइट इट डाउन, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। रिटन एवरीवन, मैं डायग्राम समझा रहा हूं। बेसिकली हमने क्या किया है, गैस लिया है, गैस का सिस्टम लिया है, उसके अंदर बेसिकली एक्सपेंशन हो रहा है। तो एक्सपेंशन हो रहा है तो गैस का अपना एक इंटरनल प्रेशर है ना, गैस का अपना एक इंटरनल प्रेशर है जो कि प्रेशर एट पॉइंट ए के बराबर है, पी इंटरनल गैस का पॉइंट ए के प्रेशर के बराबर है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, वन ब्लॉक इज 1.5 kg ब्लॉक इज रिमूव्ड, तो सडनली हटा दिया तुमने, तो अब क्या होगा बताओ एवरीबॉडी? सडनली तुमने 1.5 kg वाला ब्लॉक हटाया तो क्या होगा, इंटरनल प्रेशर ज्यादा हो जाएगा ना एक्सटर्नल से, एवरीबॉडी Is that clear? तो इंटरनल प्रेशर ज्यादा होगा एक्सटर्नल से तो गैस एक्सपैंड करेगा, तो एक्सपेंशन होगा कब, टिल जो नया पी इंटरनल है, पी इंटरनल डैश बिकम्स इक्वल टू पी एक्सटर्नल डैश जो कि 0.5 kg की करेस्पॉन्डिंग है, तो वो हमने कोई एक स्टेट बी डिफाइन कर दी है। इज दैट क्लियर और नॉट? वो हमने कोई एक पॉइंट बी डिफाइन कर दी है, कोई दिक्कत है? प्रेशर का कैसे बताया, कौन से प्रेशर की बात कर रहे हो सिद्धेश? पी इंटरनल मैंने माना ना भाई, इंटरनल प्रेशर गैस के बराबर होगा ना, तो ब्लॉक निकालेंगे तो प्रेशर गैस का बढ़ ज्यादा है और एक्सटर्नल कम हो गया तो गैस एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड करेगा कब तक, जब तक फाइनल एक्सटर्नल प्रेशर जो 0.5 के करस्पॉन्डिंग है उसके बराबर ना हो जाए। तो मैंने एक पॉइंट डी बी डिफाइन कर दिया है जहां पे नया इंटरनल प्रेशर जो है वो नया एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा। अरे पॉइंट्स तो हम डिफाइन ही करेंगे ना, ए बी रैंडम डिफाइन किया है, कोई गिवन नहीं है हमने ए और पॉइंट बी, मतलब देखो इंटरनल पहले ज्यादा था, मतलब इंटरनल पहले बराबर था, ब्लॉक हटाया तो इंटरनल ज्यादा एक्सटर्नल कम, तो एक्सपैंड कर जाएगा। कब तक एक्सपैंड करेगा, जब तक इंटरनल एक्सटर्नल के बराबर ना हो जाए, कोई दिक्कत है? तो ये सिंगल स्टेज एक्सपेंशन हुआ, इतना तो समझ में आ रहा है, ए और बी के बीच में दिस इज सिंगल स्टेज एक्सपेंशन, इसमें कोई दिक्कत है? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? दिस इज सिंगल स्टेज एक्सपेंशन जिसमें सिर्फ दो ही स्टेट्स डिफाइंड है, एक इनिशियल ए और फाइनल बी, तो इरिवर्सिबल टाइप है ना ये। अरे हाँ यार कुछ तो बोलो। अब देखो यहां पे क्या है, फाइन पार्टिकल्स, यहां जो बारीक पार्टिकल्स हैं सैंड के, फाइन पार्टिकल्स ऑफ सैंड जिनका मास डीएम
टेंडिंग टू जीरो है आर रिमूव्ड वन बाय वन, एक एक करके सैंड के पार्टिकल्स तुम हटा रहे हो एक एक करके। तो अब जब उसका मास टेंडिंग टू जीरो है, क्योंकि काफी बारीक पार्टिकल्स अपने चूज किए हमने, तो वो जो डी पी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी तो टेंडिंग टू जीरो है। यहां पे देखो P इंटरनल इनिशियली प्रेशर ऑफ गैस A के बराबर था, तो जब ये हटा रहे हैं तो यहां पे क्या था कि P इंटरनल इज इक्वल टू P एक्सटर्नल प्लस डेल्टा P, और यहां पे डेल्टा P जीरो नहीं था, बहुत ज्यादा बड़ा प्रेशर का चेंज आया था, ये समझ में आ रहा है, इसलिए तुरंत भाग गया था। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यहां पे जो प्रेशर का चेंज आया ब्लॉक हटाने से, इनिशियली इंटरनल ज्यादा हो गया था ना एक्सपेंशन के दौरान, इंटरनल ज्यादा हुआ था, ये जो डेल्टा पी बहुत ज्यादा था, यहां पे क्या होगा, पी इंटरनल को ऐसा लिख देता हूं मैं, पी एक्सटर्नल प्लस डेल्टा पी, यहां पे हम लिख सकते हैं डीपी इज टेंडिंग टू जीरो। ये चमक रहा है सबको या नहीं चमक रहा? अरे हमने छोटे छोटे पार्टिकल्स हटाए, तो इस बार जो इंटरनल प्रेशर होगा वो तो एक्सटर्नल के प्लस डीपी होगा, जहां पे डीपी विल बी टेंडिंग टू जीरो। ये नहीं चमक रहा है क्या? चमक रहा है ना? तो अब जरा सोचो, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि पी इंटरनल एक्चुअली में पी एक्सटर्नल के बराबर ही होगा इस केस में, चेंज ज्यादा नहीं हो रहा। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? रिवर्सिबल प्रोसेस में इनफाइनाइट स्टेज में जा रहा है, ठीक है, तो एक्चुअली में पी इंटरनल एक्सटर्नल के बराबर ही होगा। और यहां पे क्या है, P इंटरनल इज नॉट इक्वल टू P एक्सटर्नल, ये समझ में आया? क्या नहीं आया? ड्यूरिंग एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, एक्सपेंशन के दौरान P इंटरनल और एक्सटर्नल इक्वल नहीं है, इसलिए तो एक्सपेंड कर रहा है ना। और यहां पे P इंटरनल इज इक्वल टू P एक्सटर्नल ड्यूरिंग एक्सपेंशन। यहां तक कोई दिक्कत है? एवरीडी साथ में लिखते चलो बेहतर होगा। ये लिख लिया था सबने? यहां तक किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। और ऊपर स्क्रॉल करूं, दिस इज रियलाइजेशन ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। और ऊपर, हाँ ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सपेंशन बहुत स्लोली चलता है। अच्छा तुम सोचो, खुद सोचो, we'll talk more on this, Siddesh, don't worry, it will become more clear. Saloni, your point is also valid, we'll talk about it. Written everyone? ये कंप्लीट करने तो दें, ये कंप्लीट कर लेने दो, जस्ट लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस, लाइक रिवर्सिबल इरिवर्सिबल डेफिनेशन बस कंप्लीट कर लो, मैथमेटिकल एनालिसिस भी होता है वो नहीं करेंगे इसका। डन एवरीवन? See, तो अब यहां तक आपको समझ में आ गया कि रिवर्सिबल प्रोसेस में P इंटरनल और एक्सटर्नल तो एक तरह से बराबर ही हो जाते हैं ना। अच्छा एक बात बताओ, जैसे तुम जा रहे हो बॉम्बे टू गोवा, तुम जा रहे हो बॉम्बे से कहां, कहां जा रहे हो ऑलरेडी? गोवा। तो यहां मान लो बॉम्बे तुम्हारा स्टेट ए है और गोवा तुम्हारा स्टेट बी है, तो ये तो नॉन स्टॉप हो गया ना, बॉम्बे टू गोवा नॉन स्टॉप, कहीं रुकोगे बीच में? ऑलरेडी यहां तुम स्टेट ए से स्टेट बी जा रहे हो तो कहीं रुकोगे, नॉन स्टॉप प्रोसेस है, ठीक है। और यहां पर तुम बॉम्बे से गोवा के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स में रुकोगे, यहां से बॉम्बे से गोवा के बीच में कितने पॉइंट्स के बीच में रुकोगे? इनफाइनाइट पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। यहां तुम एक भी पॉइंट पे नहीं रुकोगे, ये नॉन स्टॉप है, नो पॉइंट, बीच में कोई पॉइंट डिफाइंड है ही नहीं। और यहां पर तुम कितने पॉइंट्स में रुक रहे हो? एवरीबॉडी इनफाइनाइट पॉइंट्स में।
तो एक्चुअली में तुम इस पॉइंट में इसमें ट्रेवल कर रहे हो क्या? तुम कभी पहुंचोगे गोवा? तुम एक्चुअली में गोवा कभी नहीं पहुंचोगे, तुम्हें मामू बनाया जा रहा है। तुम ऐसे गाड़ी पे बैठे हो जहां पे तुम्हें बोला ये जा रहा है कि गाड़ी इनफाइनाइट पॉइंट्स पे रुकेगी, राइट? तो एक्चुअली में गाड़ी चल ही नहीं रही है, समझ रहे हो? तो इसको हम बोलते हैं क्वासी स्टैटिक, यानी एक तरह से ऐसा प्रोसेस जो कि रुका ही हुआ रहेगा, ठीक है? और इसको हम बोलेंगे डायनेमिक एंड फास्ट प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक मतलब एक तरह से रुका हुआ, क्वासी मतलब एक तरह का, ठीक है? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। और ये तो सिर्फ आइडियल प्रोसेस होता है ना, इट इज एन आइडियल एंड हाइपोथेटिकल प्रोसेस, इसको रियलाइज करना पॉसिबल है नहीं। ये तो थियोरेटिकली डिफाइन करते हैं, एंड इट इज रियल प्रोसेस। अरे ये वाली बातें चमक रही हैं सबको? जनरेटेड डाउन हाँ, रिवर्सिबल प्रोसेस कभी कंप्लीट होता ही नहीं है, वो थ्योरेटिकल रेफरेंस है बस। रिवर्सिबल क्वासी स्टैटिक का मतलब वही है, इनफाइनाइट टाइम लगेगा, इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन एंड इट विल टेक वेरी लेस टाइम। ठीक है रेडी, एक चीज बस बताया है, वर्क डन निकालेंगे कैसे? एवरीबॉडी ये रिटन, एक चीज सिर्फ वर्क डन। अरे रुक तो जा, वर्क डन क्या होता है? माइनस पी डीवी का इंटीग्रल, राइट? एवरीबॉडी माइनस पी इंटीग्रल डीवी। तो यहां पे पी एक्सटर्नल लैग, एवरीबॉडी आवाज आ रही है? Can you hear me? देखो ये लास्ट चीज है, यहां पे मान लो ए से बी जा रहे हो, तो यहां पे पी इंटीग्रल को अंदर रखते हैं, पता है क्यों? क्योंकि पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर है, तो पी एक्सटर्नल वेरी कर रहा है, ये समझ में आ रहा है? पी एक्सटर्नल वेरिएबल है, क्योंकि हर पॉइंट, अरे कितने पॉइंट्स पे लेके जा रहे हो? इनफाइनाइट पॉइंट्स पे, तो पी एक्सटर्नल तो वेरिएबल है ना, तो इसको इंटीग्रल के अंदर रखेंगे, और यहां पे लिखते हैं पी एक्सटर्नल डीवी इंटीग्रल के बाहर, क्योंकि यहां पे पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है। ये समझ में आया? पी एक्सटर्नल वेरिएबल कैसे? अरे देखो पहले केस में इररिवर्सिबल वाली बात कर लेते हैं, जब तुमने आधा किलो का हाफ केजी का एक ब्लॉक हटाया, तो एक्सपेंशन के दौरान एक्सटर्नल प्रेशर तो जो हाफ केजी का ब्लॉक बचा था वही लगा रहा था ना, तो एक्सटर्नल प्रेशर तो इररिवर्सिबल में कांस्टेंट है ना। ये बात चमक रही है श्रेयस? इरिवर्सिबल से बात करते हैं, वो तो कांस्टेंट है। अब बात कर लेते हैं किसकी, अब हम बात कर लेते हैं रिवर्सिबल की। सिद्धेश नहीं समझे तुम? अरे तुमने आधा किलो का हाफ केजी का एक ब्लॉक हटा दिया था, राइट? हाफ केजी का एक ब्लॉक हटाया था, तो हाफ केजी का जब ब्लॉक हटाया था, तो एक्सपेंशन के प्रोसेस में जो पिस्टन के ऊपर ब्लॉक रखा था उसका मास कितना था? 0.5 kg। तो इस जब वो एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ और जब वो एक्सपेंशन एंड हुआ, तो उस प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर चेंज हुआ क्या? वो तो हाफ केजी ब्लॉक के वजह से ही लग रहा था, तो एक्सटर्नल प्रेशर तो कांस्टेंट था ना एक्सपेंशन के बीच में, तो वही लिखा है यहाँ पे कि पी एक्सटर्नल इज कांस्टेंट। तो जब पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है, तो इंटीग्रल के बाहर रखते हैं वर्क डन में। अब बात करेंगे ना रिवर्सिबल की, अब बात कर लेते हैं, अब रिवर्सिबल की बात कर लेते हैं, ठीक है? अब रिवर्सिबल में सोचो तो कितने बार में एक्सपेंड किया है?
तुमने यहां इनफाइनाइट स्टेट में लिखा है, तो ये तो हर बार पे चेंज होता जा रहा है, तो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है एक्सपेंशन के दौरान, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स में गया, तो हर बार तो चेंज होता रहा है, और हर बार डीपी चेंज हो रहा है जो कि टेंडिंग है जीरो के, तो इंटरनल जैसे चेंज हो रहा है वैसे ही एक्सटर्नल चेंज हो रहा है, तो पी इंटरनल तो कॉन्स्टेंट नहीं है ना, तो पी एक्सटर्नल कैसे कॉन्स्टेंट होगा, तो ये तो वेरिएबल हो गया पी एक्सटर्नल, तो इंटीग्रल के अंदर रखते हैं, अभी भी चमका, इसको इंटीग्रल के अंदर रखते हैं इसलिए, और इसको इंटीग्रल के बाहर रखते हैं, तो वेरिएबल होगा पी एक्सटर्नल रिवर्सिबल में, और कांस्टेंट होगा पी रिवर्सिबल, पी एक्सटर्नल इरिवर्सिबल में। अभी किसी को डाउट है या ये चमक गया? ठीक है, तो राइट इट डाउन एंड हैप्पी मकर संक्रांति टू यू गाइस, एंजॉय। इसमें याद यही रखना है मैथमेटिकली कि पी एक्सटर्नल वेरिएबल होता है रिवर्सिबल में और कांस्टेंट होता है रिवर्सिबल में। होमवर्क कुछ दे दूं या होमवर्क? एक्सरसाइज टू, एक सेकंड होमवर्क दे देता हूं। एक्सरसाइज टू क्वेश्चन नंबर 1 to 15, 1 to 13 होमवर्क है आपका, एक्सरसाइज टू क्वेश्चन 1 to 13। ठीक है, ठीक है, आज की क्लास में किसी को डाउट है नहीं? यार मैं पतंगे नहीं उड़ाता, एवरीबॉडी किसी को भी डाउट है? फाइन फाइन, देन गुड बाय।